हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कास्टिस्ट बनाना शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध ले ली हूँ और ये कास्टर्ड पाउडर है। आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखा होने के लिए हम यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। जब दूध हमारा बॉयल हो जाएगा तब मैं इसमें कास्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। ये देखिए, हमारा दूध यहाँ पे उबाल हो गया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे दूध निकाल लिया है उसमें से थोड़ा सा, और इसमें मैं कास्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे एक चम्मच ऐड करूँगी। दो चम्मच मैंने इसमें कास्टर्ड पाउडर ऐड किया। हम इसे अच्छी तरह से घोल लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से घोल ली हूँ। ये देखिए, हमारा दूध बॉयल हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ऐड करेंगे, हम कास्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इस तरह करके हमको चलाना पड़ेगा, ये नीचे पकड़ लेगा। ये देखिए, गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने गैस को एकदम कम धीमी आँच कर दी है धीमी आँच। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं। धीरे। हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारे यहाँ पे कस्टर्ड हो गया, ठंडा हो गया है हमारा। अब इसमें मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी। पहले मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। अब इसमें ऐड करूँगी फ्रूट्स। पहले मैं एप्पल ऐड करूँगी, बनाना ऐड करूँगी, इसमें किशमिश ऐड कर दूँ। उसके बाद काजू है, मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगा। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कास्टर्ड बनके रेडी हो गया है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।